सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। नागों को हिंदू धर्म में देवता माना जाता है और इनकी पूजा करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। परिवार में खुशहाली सुख समृद्धि बढ़ती है। नाग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। पौराणिक काल से ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सांपों की पूजा करते आ रहे हैं। सावन माह में नाग देवता की पूजा करने से और उनकी कथा का श्रवण करने से भोलेनाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए सावन माह में नाग देवता की प्रचलित कथाओं का श्रवण करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन सामान्यतः धरती खोदने का काम नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भूमि में नाग देवता का घर होता है और भूमि खोदने से उन्हें नुकसान हो सकता है। नाग पंचमी की यह कथा बताती है कि सच्चे मन से की गई पूजा और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। कोई भी अपराध हो लेकिन सच्चे मन से माफी मांगने पर पाप फल से मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। तो कथा श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह खेती से ही अपने परिवार का गुजारा करता था। एक बार की बात है, सावन का महीना चल रहा था, तब किसान अपने खेत को जोतने के लिए जा रहा था। परिवार के लोगों ने कहा कि सावन के महीने में खेत नहीं जोतते हैं, लेकिन उसने किसी की बात ना मानी और खेत जोतने के लिए निकल गया। वह हल बैल लेकर खेत पर पहुंच गया और खेत जोतने लगा। तभी एक अनहोनी हो गई। एक नागिन के सभी बच्चे हल के नीचे आ गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तभी वह नागिन आ गई और क्रोध से पागल होते हुए उसने किसान को डस लिया, जिससे उस किसान की उसी क्षण मृत्यु हो गई। तब भी नागिन का क्रोध शांत नहीं हुआ। उस नागिन ने यह प्रण कर लिया कि जैसे उस किसान ने उसके परिवार को मारा है, वह भी उस किसान के पूरे परिवार के सदस्यों को मार डालेगी। और वह नागिन उस किसान के घर जाकर सभी सदस्यों को डस लेती है। तभी नागिन को पता चलता है कि इस किसान की एक बेटी और है जो अपने ससुराल में है। वह उसे भी डसने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाती है। तब वह देखती है कि किसान की बेटी तो सावन में नाग पूजा का अनुष्ठान कर रही है। वह दूध दीप नैवेद्य से नागों की पूजा कर रही है। यह देखकर नागिन के मन से बदला लेने का विचार समाप्त हो जाता है। नागिन प्रसन्न होकर उस लड़की से कहती है कि मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। तब लड़की ने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा कि मेरा परिवार बहुत ही निर्धन है, कृपया हमें धन समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान कीजिए और मेरे परिवार को जीवन दान दीजिए। नागिन ने उसके परिवार के सभी सदस्यों का जहर खींच कर निकाल दिया और उन सबको आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। इस प्रकार नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। आइए अब नाग पंचमी की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए गांव में ही भिक्षा मांगा करता था। धीरे धीरे उसे बहुत कम भिक्षा मिलने लगी। तब उसने सोचा कि इससे मेरे परिवार का गुजर बसर नहीं हो पा रहा है, क्यों ना राजा से मदद मांगी जाए। यह सोचकर ब्राह्मण राजा से मदद मांगने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक नाग मिला। नाग ने कहा, ब्राह्मण देव तुम कहाँ जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं राजा से मदद मांगने जा रहा हूँ। नाग ने कहा, एक भविष्यवाणी मैं तुम्हें बताता हूँ, क्या तुम राजा को बता दोगे। परंतु हाँ, एक शर्त है कि राजा तुम्हें जो भी धन देगा उसमें से आधा धन तुम्हें मुझे देना होगा। ब्राह्मण इसके लिए तैयार हो जाता है। तब नाग कहता है कि राजा से कहना, इस साल अकाल पड़ेगा, इसलिए प्रजा के हित के लिए जो भी उचित हो वह जरूर कर ले। फिर ब्राह्मण महल में पहुंच जाता है। वहां दरबारी से कहता है कि राजा से जाकर कहो कि एक ब्राह्मण आया है जो भविष्यवाणी करता है। दरबारी के ऐसा बताने पर राजा ने ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और पूछा कि बताओ तुम भविष्य के बारे में क्या जानते हो। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, इस साल अकाल पड़ेगा, इसलिए प्रजा के हित के लिए जो भी करना है वह कर लो। राजा ने यह सुनकर ब्राह्मण को कुछ धन देते हुए विदा किया।
वापस लौटते समय ब्राह्मण ने सोचा कि यह तो ज्यादा धन नहीं है और अगर मैंने इसमें से भी आधा उस नाग को दे दिया तो मेरे पास तो बहुत कम धन रह जाएगा। यह विचार कर ब्राह्मण दूसरे रास्ते से होता हुआ अपने घर पहुंच गया। नाग के कहे अनुसार उस साल अकाल पड़ा। राजा ने पहले से ही इससे निपटने का तमाम इंतजाम कर लिया था, इसलिए प्रजा को कोई समस्या नहीं हुई। एक साल बीत गया, धीरे धीरे ब्राह्मण का सारा धन फिर से समाप्त हो गया। तब ब्राह्मण राजा से मदद मांगने के लिए जाने लगा। रास्ते में उसे वही नाग मिला। वह बोला, क्यों ब्राह्मण, सारा धन खत्म हो गया? तुमने तो आधा धन देने का वचन दिया था मगर तुमने दिया नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और भविष्यवाणी सुनाता हूँ। इस बार युद्ध होगा। राजा से कहना तुरंत ही जो तैयारी करनी है कर ले, लेकिन इस बार तुमको जो भी धन मिलेगा उसमें से आधा धन तुम मुझे जरूर दे देना। ब्राह्मण नाग को वचन देता है और महल की ओर चला जाता है। राजा को जब पता चलता है कि भविष्यवाणी बताने वाले ब्राह्मण आए हैं तो उन्हें राजा ने बहुत ही सम्मान के साथ दरबार में बुलाया। ब्राह्मण ने राजा को भविष्यवाणी सुना दी। इस बार राजा ने ब्राह्मण को अधिक धन दिया। ब्राह्मण महल से चल पड़ा। रास्ते में ब्राह्मण ने सोचा, मैं नाग को धन क्यों दूं, क्यों ना उस नाग को मार ही दूं। तब ब्राह्मण नाग को एक डंडे से मारता है। डंडा लगने से सांप की पूंछ कट जाती है लेकिन नाग बच जाता है और वहां से चला जाता है। नाग के कहे अनुसार राजा का पड़ोसी राज्य से भयंकर युद्ध होता है, लेकिन राजा ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, इससे राजा युद्ध जीत जाता है। इधर कुछ वर्षों के बाद जब ब्राह्मण का धन समाप्त हो जाता है तब ब्राह्मण फिर से राजा से मदद मांगने के लिए चल पड़ता है। ब्राह्मण नाग से नजरें बचाकर निकलना चाहता था लेकिन नाग ने उसे देख लिया और बोला, क्यों ब्राह्मण देव, इस बार मिलकर नहीं जाओगे? ब्राह्मण नजरें झुकाकर वहीं खड़ा हो जाता है। तब नाग कहता है, चलो ब्राह्मण, इस बार राजा से कहना कि राज्य में धर्म की स्थापना होगी, सब काम अच्छे होंगे, राजा और प्रजा सुखी रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि इस बार जो भी धन मिले उसमें से आधा देकर ही जाना। ब्राह्मण ने फिर से नाग को वचन दिया और चल पड़ा वह महल में। वहां पहुंचने पर राजा ने ब्राह्मण को पहले से भी ज्यादा स्वागत सत्कार दिया और उसकी पहली दो भविष्यवाणियों की सत्यता के बारे में सोचते हुए उसे हृदय से धन्यवाद दिया। फिर राजा ने भविष्य के बारे में पूछा। तब ब्राह्मण बोला, राजन, आपके राज्य में धर्म की स्थापना होगी, सब सुखी होंगे, सब काम अच्छे होंगे। तब राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब गांव पहुंचकर ब्राह्मण ने सोचा, राजा ने थोड़ा धन दिया तो एक साल में खत्म हो गया, फिर कुछ ज्यादा दिया तो दो से तीन साल में खत्म हो गया। मैंने नाग के साथ गद्दारी की। अब ब्राह्मण अपना सारा धन लेकर नाग के पास पहुंचा और उससे क्षमा मांगकर सारा धन उससे लेने के लिए कहा। तब नाग ने कहा, हे ब्राह्मण, जब अकाल पड़ा तब तुमने रास्ता बदल दिया, जब युद्ध होना था तब तुमने मेरी पूंछ काट दी, सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, और अब जब धर्म की स्थापना होनी है, मैंने भविष्यवाणी की थी कि लोग अच्छे काम करेंगे, तो तुम भी तो धर्म के मार्ग पर चल पड़े। मुझे भला धन का क्या करना है, इसे अपने साथ ही ले जाओ और सदैव खुश रहो, लेकिन हाँ, कभी भी किसी को धोखा मत देना। तब ब्राह्मण नाग को धन्यवाद देकर अपने घर लौट आया और ब्राह्मण ने प्रण किया कि वह अब कभी किसी को धोखा नहीं देगा। बोलिए नाग देवता की जय हो। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।